हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बॉबिन इलास्टिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिसके अंदर हम बॉबिन इलास्टिक का यूज़ करते हैं, बट कई बार हम अपने घर बैठे जो ड्रेसेस स्टिच करते हैं उनके अंदर हमें बॉबिन इलास्टिक को स्टिच करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में बॉबिन इलास्टिक को कैसे यूज़ करते हैं, इसे किस प्रकार से हमें बॉबिन केस के अंदर भरा जाता है और कैसे इसे स्टिच करते हैं, इस बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें और हमारे वीडियो पूरा देखें तो आप जान पाएंगे कि बॉबिन इलास्टिक को किस प्रकार से अपने मशीन में यूज़ करते हुए हम स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक थ्रेड कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है और इसकी साइज हमारे नॉर्मल थ्रेड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सभी एरिया वाइज इसकी प्राइस फ्रेंड्स अलग अलग होती है। तो ये देखिए, इसको भरना किस प्रकार से है। सबसे पहले आपको इसको इसके अंदर जैसे हम नॉर्मल थ्रेड भरते हैं उसी प्रकार से इस केस के अंदर आपको भरना है। तो मैंने इसी तरीके से इसे भर लिया है। ये देखिए, इसे हमें बिल्कुल लूजिंग भी नहीं छोड़ना है, तो बिल्कुल इसे हमें ज़्यादा खींचना भी नहीं है। इसे नॉर्मल हम जैसे थ्रेड भरते हैं बिल्कुल ठीक एज इट इज इसे हमें इसके अंदर भरना होता है। तो ये मैंने भर लिया है। ये तो हुई फ्रेंड्स इलास्टिक को बॉबिन केस में किस प्रकार से हमें भरना होता है। अब बात आती है इसे हमें किस फैब्रिक पर यूज़ करना है। इस इलास्टिक का यूज़ फ्रेंड्स हमें लाइटवेट कपड़े में करना होता है, जैसे कि नेट होती है, कॉटन में कई ऐसे फैब्रिक होते हैं, क्वालिटीज़ होती है कॉटन की जो कि काफ़ी लाइटवेट होती है, तो उसमें हमें इसका यूज़ करना होता है। और जैसे सीफोन वगैरह है, तो ऐसे कुछ फैब्रिक्स होते हैं जिस पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमें इसका यूज़ किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप फ्रेंड्स जहाँ पर भी इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं उस फैब्रिक को, उस मटेरियल को अच्छे से स्टिच कर लें और उसके बाद में हम इसका इलास्टिक का यूज़ करेंगे। अब हम अपने इलास्टिक को अपने केस में किस प्रकार से सेट करेंगे ये देख लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारा केस है और इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसके अंदर सेट करना है और अपनी इलास्टिक थ्रेड को इस तरीके से इसके अंदर यहाँ से हमें बाहर की तरफ निकालना है। अब एक चीज़ आती है फ्रेंड्स इसके अंदर कि जो हमारी ये स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है, ये पत्ती लगी हुई है जहाँ से हमने ये थ्रेड निकाला है, इस पत्ती के अंदर से ये थ्रेड हमारा नॉर्मली निकलना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से निकल रहा है, ये काफ़ी, मैं यहाँ से प्रेस कर रही हूँ तो ये काफ़ी प्रेस होने के बाद में निकल रहा है, तो इसे हमें हल्का सा लूज़ करना होता है। बिल्कुल हल्का सा लूज़ करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने इसलिए हल्का सा लूज़ किया है क्योंकि इसकी जो साइज़ होती है हमारे नॉर्मल थ्रेड से कुछ ज़्यादा होती है, तो इसे यहाँ से निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें ये हल्का सा लूज़ करना होता है। ये देखिए, अब ये नॉर्मल जिस तरीके से हमारा थ्रेड निकलता है उसी तरीके से ये हमारा थ्रेड निकल रहा है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें इलास्टिक को बॉबिन केस के अंदर सेट करना होता है। इसे सेट करने के बाद में फ्रेंड्स हमें एक छोटी सी सेटिंग यहाँ पर करनी होती है। जो हमारा ये थ्रेड होता है इसे हमें थोड़ा सा टाइट करना होता है यहाँ से, ठीक है। ये थ्रेड हमारा थोड़ा सा टाइट होना चाहिए और जो इसकी हम चाल रखेंगे अपने थ्रेड की, मशीन की जो हमारी चाल होगी वो हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि छोटी जो चाल होती है, छोटे टेप होते हैं उसमें हमारी इलास्टिक का जो खिंचाव होता है वो कम होता है, इसलिए हमारी थ्रेड की जो चाल है, जो टेप है, वो थोड़ा सा हमें मोटा रखना होता है। तो अब चलिए इसे हमें स्टिच किस प्रकार से करना है ये भी हम जान लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से मेरे ये दोनों थ्रेड मैंने बाहर की तरफ निकाल लिए हैं और अब हम इसके ऊपर अपनी स्टिचिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, आपको जो अपना ये ऊपर वाला थ्रेड है ये हमेशा फिनिशिंग की तरफ रखना है और जो ये इलास्टिक है ये हमें आउटसाइड रखनी है। जैसे कि ये हमारा उल्टा साइड होगा तो मैं यहाँ पर इलास्टिक रखूँगी और जो मेरा ये फ्रंट साइड होगा, मेन पीस होगा, फिनिशिंग वाला होगा, इस जगह मैं अपनी ये मेन स्टिचिंग रखूँगी। तो इसे मैं इस तरीके से पलटूँगी और यहाँ पर इलास्टिक स्टिच करूँगी। ये देखिए,
तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी इलास्टिक है उसे हमें इस प्रकार से स्टिच करना होता है। ये हमारी मेन सिलाई होती है जो कि हमारी ये फिनिशिंग एरिया साइड होती है, और ये हमारी इलास्टिक होती है जो कि हमारी आउटसाइड होती है या उल्टे साइड हमें इसे स्टिच करना होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें रिंकल्स पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, देखा हमने कि किस प्रकार से हम बॉबिन इलास्टिक को बॉबिन केस में फिल करते हैं, भरते हैं, और किस प्रकार यूज़ करते हैं। बॉबिन इलास्टिक को यूज़ करते हुए हम बहुत ही काफ़ी सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं, वो भी घर बैठे किड्स के, या हम अपनी ड्रेसेस में इसे यूज़ करते हुए बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।